अगे पोते हो ब्याह ब्याह आई बे 10 तारीख को तो जिम लेगा के मैं आदि तो बीमारी खावा दवाई छिड़का तो सांस उठे इतनी उम्र में सांस उठने का कद उम्र है मन से बेटर तो ये है कि हम मर जाएं तो अच्छा है मरे तो गए हम तो मारे भाई जी की थोड़ी आवाज तेज है ये बताऊं लगे कि सब मारे या परेशानी है बोले ओए ज्यादा नहीं बोल नीची आवाज में बात कर ज्यादा अंदर कर दूंगा जहर मारे जो हमारे सांस उठे बोले या तो जहर खाओ या मक्खी खाओ यो जवाब है एसडीएम साहब को 10 मई की शादी है तो मान लो अभी नॉर्मली खानो कौन बना पा रहा है तो अने कम कम 15,000 लोगों को खानो कई तरीकों बनावांगा कोई आनो पसंद कौन करेगा इस जगह चुने सिर्फ भरोसेमंद प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल झुंझुनू सभी आधुनिक सुविधाओं वाला झुंझुनू का पहला स्कूल बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ जहां किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी प्रिंस इंटरनेशनल झुंझुनू में प्रवेश जारी है। राम राम जी, मैं खुशबू झल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ चिड़ावा तहसील के अंदर नारी जो गांव आवा है ग्राम पंचायत भी के अंदर ही डेडा राम की ढाणी है बड़े मैं पहुंची हूँ और मैं पहले ही थारा हूँ हाथ जोड़ की सही मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ कि प्लीज़ ये वीडियो थे आज शेयर कर दियो लास्ट तक यो वीडियो देखना है और पहले ही लोगों तक पहुँचाना है। क्यों पहुँचाना है? क्योंकि जो लोग इधर रह रहे हैं डेडा राम की ढाणी में काफ़ी लोगों की 300-400 लोगों की जिंदगी है वहाँ नरक बन रही है। वीडियो ने इग्नोर मत करियो और प्रशासन तक ये वीडियो है वो पहुँचाना है। भाई मक्खी खाई आडंगर बीमार है 4,000 खड़े 3,000 गेहूँ बहुमा गेरा सोन बहु लाद रही हूँ अरे यो मरगो फार्म को अरे उन्होंने सुना दिए मैं तो सांस उठा दुआई मारे मैं तो गाल कर दूं भाई आमी कौन के थे ना आवे रात ना आवे हैं रात ना आवे दिन में कुछ बड़ा है एक साल यो फार्म है यो खुल रहे हैं 4 साल होगी तो 4 साल ले मैं जदी यो खोल ले हो जदी है वहाँ की स्टार्ट हो रही नहीं एक महीने तो बैठे रहा रुपया लग गया जगह धरना पड़े अरे प्रशासन को नहीं आगे पुलिस को नहीं आगे पुलिस ने मांस भर दी है गोजी भर दी है पेटी भर दी है रुपया की जब भाग जाए माना न्यू खेगा इपकाड़ा जाप तो करवा देंगा तारो इपकाड़ा करवा देंगा और पापा फोन ही कौन ठाऊ हमारो फोन करा जो दया वही अगे पोते हो ब्याह ब्याह आई बे 10 तारीख को तो जिम लेगा के मैं जिमन की छोड़ो डे एक मिनट बैठो कौन जा रहे थे जिमन की बात तो जदी डटो नवा के हम डटाओ थे मेरे तो ये हो रही थी रोटी भी क्या खाओ हां भाई रोटी बीमारी खारा किया सांस उठे लागो छोटी छोटी बुआ के सांस उठे लागो न उम्र कदया होगी दवाई छिड़के कणा तो छिड़के जाहिर कणा कौन छिड़के कणा छिड़के हिर कणा कौन छिड़के जा गांव का सरपंच जी ने बन कौन को गए मा तो गांव में नारी में सरपंच बड़ा भी कोई आके में मर जाओ जगह में भी जागो कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो पशु ब्याह है पशु ब्याहना ही बंद होगा ना ही बंद होगा बछड़ियों गिर दी में नाला दी नहीं सुई लगवा बछड़ियों गिर दी न टाबर पड़ सके न खानो खास का कुछ ही कौन कर सका खानो के थे तो आज चीज तो मैं भी बोल सकूं कि खड़े भी नहीं मक्खी पड़ जाती पर तो उल्टी पड़ा कोई मरता कोई टुकड़ो लिया चाह पिया तो वाह उल्टी उल्टी पड़े क्या चाय बना लिया आप भी देख लियो ना माहौल कहा होगा तो देख लो मैं कहाँ रह रहा 4 साल होगी कोई रहने में थोड़ी रह रहा मतलब यहाँ भाई एक बिल्कुल ही क्या मान बंद हो की भी कौन रह सके ना ना एक मिनट कोई काम को नूर खड़े हो आदि तो बीमारी खावा दवाई छिड़का तो सांस उठे इतनी उम्र में सांस उठने का उम्र है मन की माँ का गाँव से भट्टी में खोद जा लाख रुपया लूंगी गाय का हमारी बीमारी का कर दियो क्या कर दिमाग पर उठो के नाम दिखा दियो हम तीन चार गाय का मारना है मैं मारने जा के थियो मारना है बोले मन में मारने जा आगे 301 की तारा लगा दी दवाई लेने के लिए गया हैं और उल्टी गाड़ी के लोच कर लागा मान नहीं पर जाके केस कर दियो मैं बैठा रे मार बम की भाई पता कोई गलती करी नहीं दूसरे तीसरे दिन पता चले की तार पर केस कर रखा कोई मार तो मगर हां की मार गया न्यू कर गया गया दवाई लान के ले अच्छा भीतर मन तो मारना पड़े हां मतलब मारे घर में अगर कोई के टिब्बी होगी कोई भी संक्रामक रोग होगा तो कोई रोकनी होनी है तो देख को या कंडीशन मारे गांव में भी है बराबर उरम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का दायरा गोल गोल अगर घूमांगा ना पर सीट एक के मुर्गी फार्म बराबर सेम कंडीशन मिलनी है लोग इतना परेशान है अगर आग उन पा रहे किसो गर्मी को कारण है और कुछ लावणियां लाग के लोग थक रही मतलब लोग परेशान है पर मतलब इतो कितनी बार सहयोग करेंगे लोग ते देखो खुद देखो 6 महीने तक अगर लगातार धरनो चल रहे हैं चंद होगा कि अगर कोई गांव वाला 4 लाख रुपए पर खर्च कर रही तो लोग परेशान तो है ही और सेम कंडीशन में तान फोटो वगैरह दिखा सकूं मेरे कन 2000 मतलब ये जद्दू चाल लियो ना 2017 लगा के अभी तक की लगातार मतलब मंथली 1.5 महीने लगातार फोटो क्लिक करा कि मेरे फोन में विद डेट फोटो मिल जाएगी इनकी कोई सॉल्यूशन दे रहे हो नहीं है कोई सरकार हमारे साथ नहीं है
कोई मतलब की कंडीशन देख लो तुम्हारी, जब जिंदगी नरक बना रखी है एम बढ़िया तो जेल में मच्छरी खा माखी तो गुण खाएंगी। रोटी बनाता बनाता ही शायद माखी गिर जाती होगी। हाँ रोटी बनाता बनाता कम कम 300-400 माखी तो नॉर्मली गिरे हैं, नॉर्मली चून में ही ओसने जाए। जब मैं उन बनाने के बाद में उनके ऊपर बैठे हैं घी में पड़े हैं वह अलग हुए हैं, उनकी वजह उनका सांस उठ रहा है, सांस नहीं आ रहा है, आँखों में पानी चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, सबका प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी की भी प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। और ये दवाई मारी ही दवाई मार के जाऊं की वजह भी एलर्जी सांस सब कुछ हो रहा है। 10 मई की शादी है तो मान लो अभी नॉर्मली खानो कौन बना पा रहा है, तो है कम कम 15,000 लोगों को खानो कई तरीकों बनाऊंगा, कोई आनो पसंद कौन करेगा जगह। पहली शादी है हमारे परिवार में, इतनी माखी हो रही है, इतनी माखियां देखे ना तो कोई मेहमान आओगे और ना कोई और आओगे, मेहमान तो दूर की बात, आस पास का आदमी कौन आऊंगा, घर का आदमी कौन आऊंगा, मैं खुद खुद अलवाई आके थरगरा कौन बैठ सके, अभी इतनी प्रॉब्लम इतनी बात। हाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अभी तो या तो नॉर्मली है, थोड़ी ठंड हो जाएगी ना उनके बाद में और भी ज्यादा हो जाएगी, ये सारे माखी जाके किचन में अंदर रूम के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी, ना तो पढ़ पावा, ना खाना बना पावा, ना कुछ पी पावा, ना कुछ और कुछ को नहीं, बहुत ज्यादा भयानक कंडीशन हो रही है हमारी। ये प्रशासन भी आंख मिचौनी नहीं कर रहा है, आएगा प्रशासन, पुलिस भी आई है, DYSP भी आया है, यहाँ पे SDM भी काफी बार आ चुका है, तहसीलदार भी काफी बार आ चुका है, लेकिन किसी को कोई जूं तक नहीं रेंगती, वो आते हैं यहाँ आकर के और चले जाते हैं, यहाँ रिपोर्ट बनाएंगे कुछ, वहाँ जा करके उस रिपोर्ट को पता नहीं कहाँ फेंकते हैं, क्या करते हैं, किस नाले में डालते हैं, ये हमें नहीं मालूम। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा तो अगला तो ये सफाई साहब क्यों करेगा, हम यहाँ कितनी मक्खियाँ खा रहे हैं, कितने आपको तो आपने खुद ने देखा है यहाँ का माहौल, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इससे बेटर तो ये है कि हम मर जाएं तो अच्छा है, मरें तो क्या, हम तो TV हो गई, किसी को सांस की बीमारी हो गई, किसी को हम पूरा परिवार मरेंगे, इससे बेटर है कि हम एक दो ही मर जेल में चले जाएंगे तो अच्छा है, इसमें कोई दोराय नहीं है, यही होगा और हालात देखते हुए इसमें कोई फर्क नहीं होगा, ये एक दिन करना ही पड़ेगा हमें, इससे बेटर ये समझा गया पहले ही कर लें हम, उसके बाद में नहीं करें। अब ये देखो क्या हालत है यहाँ पे, प्रशासन क्यों सो रहा है नींद, प्रशासन को देखा तो यहाँ हो रहा है कि भाई सांस के साथ में भी माखी जा। अब ये देखो मैंने भी मास्क कोरोना की वजह से नहीं लगा रखा है, क्योंकि इतनी मक्खी जाएं इतनी है, यहीं पे ये मेरा घर है यहाँ पे पड़ोस में, वहाँ पे भी इतनी है, तो मैं 24 घंटे मास्क रखता हूँ, क्या करूँ, उस घर के अंदर भी मास्क लगा के रखता हूँ, ये लगाने के लिए ये कोई कोरोना की वजह से थोड़ी लगा रखा है, ये मक्खियाँ नाक में घुस जाती हैं, मुंह में घुस जाती हैं, अब बताओ इतनी मक्खियाँ हैं इनको क्या 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 इलाज ही नहीं है हमारे पास, तो कोई हम क्या इलाज करेंगे, इलाज तो ये खुद करो, ये तो ये फार्म का मालिक है, फार्म है तो उसे मालूम, मुर्गी फार्म हुई ही, मुर्गी रखी ही, बम इतनी माखी को नहीं, माखी हुई ही, पर ये कौन सा है का ये वो फार्म है, एचरी फार्म है, इसमें अंडा देती है वो मलबा जितना भी होता है ना उनका, वो ये भाई उसकी सफाई नहीं करते, ये वो मुर्गी अंडा देती है उसमें तो वो 20-30 दिन में तैयार हो करके 40 दिन में तैयार हो जाती है, उसको बेच देते हैं, फार्म की सफाई कर देते हैं, उसके जो बीट वगैरह बोलते हैं वो निकाल देते हैं, सफाई हो गई, उसमें मक्खियां नहीं होंगी, ये तो मलबा इसी में रहता है, ये 24 घंटे मुर्गियां यहीं हैं, बेचते तो है नहीं, ये तो लेके आ गए, वो लेके आ गए, अब लास्ट में ये 2 साल जो जितना दिन चलाते हैं पता नहीं, उसके बाद में ये बेचते हैं उनको, तो नहीं ले आते हैं, तो वो मलबा तो यहीं रहेगा ना, उस मलबे में तो ये गंदगी होगी, तो गंदगी में तो ये मक्खियां पैदा होंगी। प्रशासन ने अड़ी आके कौन देखा कि भाई 10 मिनट 2 मिनट भी कौन, मैंने निवेदन कर दिया ना आपसे, SDM आके देख के गया कि यारो ये तो बहुत बुरा हाल है, तहसीलदार जी भी आ गए, SDM साहब के बोल के गए, SDM साहब बोल के गए कि हम कार्रवाई कर देंगे, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है, आज से थोड़ी है, 4 साल हो गई, SDM साहब बहुत बार आ चुके हैं, एक बार नहीं, कितने SDM बदल गए, ये दुआई मारे बाग, दुआई कौन मारे, पानी टंकी भर लिया, गल माखी लिया मारे, दुआई कौन मारे, सगे ले आगे छोड़ और जाए, 3 दिन दवाई बना के हमारा आखिरी फैसलो 11 को है, बस 10 तारीख को है, इन्हें SDM साहब ने दे रखे नोटिस दिया जा रखा, 10 तारीख को बोलो मक्खी कम बंद हो जाएंगी, अगर नहीं हुई तो 11 तारीख को हमें इसको लेबर इसको बाहर निकालेंगे, इसके लोग लगा देंगे, यहीं बैठ जाएंगे, यहीं मर जाएंगे। तो जो अठिया का ओनर ही बन कौन बोलो कि भाई थारे पास का यहाँ क्यों हमारे साथ में यू करने लग रहे हो, 4 साल से बोल रहे हैं मेरे, 5 दिन डटो ये न्यू करे, कुदरत की देन है मक्खियाँ की, तो आपके पास कुछ बोल दे ओड़ा सोड़ा भी अंदर चल जाए तो ये केस लगा देते हैं, पिछली बार दवाई लाने गए थे जब केस लगा दिए था, 452 लगा धारा लगवा दी इन्होंने, हाँ हमारे ऊपर तोड़ फोड़ कर दी, हमारे दवाई लगा औरतों का नाम लगा दिया उन्होंने, एकदम यहाँ पर आते हैं प्रशासन आते हैं वो बोलते हैं बहुत ही गंदगी है बहुत, बस लेकिन यहाँ से लिख लिख के ले जाते हैं कि बहुत गंदगी है, लेकिन वापस आते हैं आगे, कल ही मेरे पास में 181 पर मैंने कॉल किया था ये दर्ज कराई थी, कल ही मेरी रिप्लाई आई बोले वहाँ पर तो
कोई मक्खी नहीं है, साफ सफाई है, टाइम टाइम पर स्प्रे हो रही है। ये तहसीलदार टाइम पर बोलता ना कि मैं वीडियो बना के भेजा थे, बोले हमारे व्हाट्सएप नंबर नहीं दे सकते, 181 वाले बोलेंगे हमारे व्हाट्सएप पर नहीं दे सकते, बात भी करे है और उन्होंने मतलब वीडियो करके भेजे हो और मैं देख भी ली है, पर उनको जवाब क्यों को नहीं आवा मार कर उच्च अधिकारी ने भेजा। हाँ उच्च अधिकारी ने भेजा, उच्च अधिकारी ने अभी तक भेजा ही कौन गया, चार साल में कोई कौन भेजो मारकन तो, और मैं कई बार कर चुका हूं। एसडीएम साहब प्रशासन ने मतलब भाई वोट लेने भी आमी ही तो बयान ने बोलो ना कि थे 10 मिनट छोड़ो 5 मिनट बैठ के दिखा दो। एसडीएम साहब आया फिलहाल मारा चिड़ावा तहसील में, ये उरा मारे कंप लागे जना उरा आया है। मारे भाई जी की थोड़ी आवाज तेज है, ये बताऊं लागे कि साहब मारे या परेशानी है या परेशानी है, बोले ए ज्यादा नहीं बोल नीचे आवाज में बात कर ज्यादा अंदर कर दूंगा। पापो साहब ये मक्खी मारे हैं, ये जहर मारे जना मारे सांस उठे, बोले या तो जहर खाओ या मक्खी खाओ, यो जवाब है एसडीएम साहब को। थारकन कोई या को वीडियो या कुछ है जो प्रशासन या बात बोल रही है? मैं वीडियो करने लगी टाइम तो एसडीएम साहब भाज गौ, मैं लोकल फोन रखा टब्बर हमें हमारे के बुरा पड़ा आदमी हमें तो डेकची और ये जितने भी पड़े हैं अकबर जो ये डेकची वगैरह में ही आधा ये बर्तन ही है लगभग सारा सिल्वर का ही, सिल्वर का बर्तन ही, कोई स्टील का ही पूरा का ऊपर के माखी। और बाथरूम की मैं स्थिति की बात करूं तो बाथरूम मन आप खुद देख कौन सका अ कि भाई ये नामी भी कहीं ही उल्टी आने तैयार हो रही है, जहाँ गेट है गेटा का चिपरी ही जो माखी हुआ करी ही जो भाई बन लड़न वाली माखी आप बोला करा हाँ भून माखी हुई ही भून माखी हुई बस जहाँ जाया करी ही, बाकी कत्ती भयंकर तरीका में आवाज आया करा है, बी तरीका में जहाँ आवाज है बा आन लाग रही है। जे मैं थानू बताना चाहूँ की 5 महीना पहले भी जहाँ रिपोर्टिंग है ग्राउंड रिपोर्टिंग है बा करी ही आसपास का लोग ही भी आया हर, अभी मैं थाने बताना चाहूँ लोग भी इतना परेशान होगा कि भाई कोई भी आओ वह ये सोचें कि कोई समाधान तो हुआ कोई कुनी दिलासो दे 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 कि लोग ही बस चला जाए ही, और भी का बाद में बताऊँ कोई भी समाधान को नहीं हुआ। राम राम जी। राम राम जी। झलको झुंझुनू बोल रही हूँ, खुशबू बोलो जी। हाँ जी सोमवीर जी बात कर रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ जी आज जो थरियो फार्म के पास में आया हाँ मैं। अच्छा जी। नारी ग्राम पंचायत में तो बालोगा की शिकायत है कि भाई जो फार्म है बिकी वजह में परेशान हो रहे हैं, मक्खी हो रही। बिल्कुल है साहब जी। तो बाओ बातचीत कर रही बाका कुछ भाई बह बोल रहा कि भाई बह हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर और कोई कदम उठावांगा, प्रशासन ने भी बोल चुके हाँ तो मेरो फर्ज बना है दूसरा भी बात करने को। बिल्कुल आपने अच्छा किया और मेरे को फोन किया इसके लिए, बस स्टॉप लग आपने जो है ना पूछा, कम से कम पक्ष को पूछना जरूरी होता है जी। बताओ। ऐसा है जी ये बीच बीच में जो मक्खियों की ज्यादा जो समस्या हो रही है ना ये तो मेनली तो है नेचुरली मौसम की वजह से, और इसके लिए हम जो है ना इन पड़ोसियों के भी कीटनाशक का छिड़काव भी करा हाँ, सुबह शाम भी करा हाँ, और इनके साथ हम कोऑपरेशन में खड़े हैं, लेकिन समस्या खूब है जी। चाय पानी तक पीने तक की भी नौबत है, ये पीछे भी करीब करीब जब से ये बनाया था फार्म बनाया उसके लगभग 1 साल के बाद ये समस्या हुई, प्रशासनिक लेवल पर इन लोगों ने रास्ता बंद भी किया, वो उसमें भी जो है ना हमारा आपस में जो है इनके साथ बातचीत होती रही वो चलता रहा, फिर हाई कोर्ट के आदेश से हो गए। तो ये लोन का प्रोजेक्ट है जी, अब बैंक का दबाव ये रहता है कि आप इसको चलाओ, और व्यवहारिक तौर पे बीच बीच में मौसम के हिसाब से मक्खियां इतना फिलहाल की नौबत बड़ी जबरदस्त है जी, बहुत ज्यादा परेशानी है, हम भी बुरी तरह से परेशान है, लेकिन हम डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, हम पूरा पूछताछ करते हैं, रीजन समझ में नहीं आ रहा जी। फार्मों पे समस्या तो है लेकिन हमारे वाले पर ज्यादा है। इस मौसम में जैसे ही फसल कटी है जो फसल में बाहर थी मक्खियां वो भी मकानों के अंदर घुस गई, और एकदम से गर्मी आई ना तो फसल का कटना हुआ, गर्मी की वजह से बाहर तो ये रहती नहीं, जहां भी पशु मिला रसोई मिली जहाँ भी अंदर छाया मिली जहाँ भी मकान के अंदर घुस गई है नजदीक डाणी गांव जो भी है उनमें घुस गई। ये बोल रहे कि फार्म और भी ही पर बड़े माखी कहीं को नहीं अठेई माखी क्यों ही? देखो ऐसा है बेटा जहाँ और है ना वो ज्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर पे ही है वो फार्म, और उनसे हम नियमित डेली मिलता रहा
रियल ये है, मतलब सच्चाई के लिए आदमी ने कसम खा के ही विश्वास दिला सके है, और को तो विश्वास दिलाने को कोई एविडेंस को नहीं, क्योंकि नेचुरली मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों की इतनी समस्या नहीं है, हमारे उनसे ज्यादा है, जबकि हम कीटनाशक का अन्य छिड़काव और उनसे ज्यादा करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करते। तो फिर वह प्रॉब्लम बाकी क्या है? अच्छा जी, अब हम इस चीज पे पहुंचे हैं, पिछले एक महीने से जैसे ही ये समस्या शुरू हुई है, हमने एक फार्म पे जहां लोहारू में एक फार्म है सेम इसी तरह का, सेम इसी स्ट्रक्चर का, और यही मुर्गियां और इसी तरह से उनका नीचे बीट का गिरना और इसी तरह से मक्खियों का होना, एक साल पहले तक उनके यही समस्या थी। फिर उन्होंने जून जुलाई अगस्त में उनको नीचे से शेडों को पक्का करना शुरू किया और उनमें पानी भर दिया, और जैसे ही बीट ऊपर से गिरती है, अब ये बीट के अंदर मक्खी जो अंडा देती है वो बीट में के कुछ चीज है, पता नहीं प्रोटीन के कुछ ऐसा है, उससे लार्वा बनता है, ये मतलब इतनी अनियंत्रित मात्रा में अंडे देती है जी ये। डॉक्टर कहते हैं कि एक मक्खी कम से कम 100 से भी ज्यादा अंडे देती है, अब ये कितनी है, अगले 3 दिन के बाद उससे 100 गुना हो जाएंगी। तो उनके लिए हमने तो ये प्रैक्टिकल देखा है जी, कि उन्होंने नीचे पानी भर दिया, ऊपर से बीट गिरी तो वो पानी में गिरी, और उसके बाद जैसे हम लाइटिंग वगैरह को वो उठाते हैं ना पंपिंग से वैक्यूम से, उससे उठा के नर कहीं दूसरी जगह डालेंगे और उसमें पानी भर दिया जी। अब हमने 2 शेडों में, चाहे आप फार्म पे जाके देखा हो, 2 शेडों में हमारे मुर्गियां हैं और उन 2 शेडों में हमने पानी भर दिया। ये प्रक्रिया हमारी पूरी हुई है यूं समझो परसों तक, हमारे फार्म की वजह से मक्खियों की समस्या नहीं होगी, क्योंकि अगले 7 दिन में हमारे फार्म से मक्खियां और नहीं बनेंगी। वीडियो शेयर जरूर कर दियो, और आज के वीडियो के बारे में थारे की आ रहे हो है कमेंट में जरूर करके बतायो। जय हिंद, जय राजस्थान।